ओम शांति। आज 5 जून 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। बाबा जब आते हैं तो आकर पहला काम अपने आप से टूटा हुआ संबंध जुड़वाते हैं। बाबा के आने से पूर्व हमारा संबंध दुनिया भर के लोगों के साथ होता है, बाबा से नहीं होता। सबसे है भगवान से नहीं। गायन भगवान के लिए करते हैं, तो मात पिता त्वमेव माता च दाओ आत्मा फादर मदर से गायन उसके लिए करते हैं, लेकिन संबंध उसके साथ नहीं होता है। उसका कारण बाबा ने बताया, परिचय नहीं होता है। तो जब हमको परिचय मिल जाता है, जब हमको समझ मिल जाती है, जब हमको अनुभव हो जाता है, फिर हमें क्या डिफिकल्टी है शिव बाबा के साथ संबंध जोड़ने में। परंतु फिर भी हमारी बुद्धि देहधारियों में जाती है, तो बाबा उस बात की चेतावनी देते हैं, सदा देहधारियों को याद नहीं करो, मुझे याद करो। प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा, हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। जो दैवीय घराने की आत्माएं होती हैं उनको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। जैसे कोई खोई हुई चीज़ आपके सम्मुख आ जाए, थोड़ी सी निशानी भी आ जाए, तो आपको एहसास हो जाता है कि इतनी सी है तो बाकी भी होगी। ऐसे जो दैवीय घराने की आत्माएं हैं, बाबा जब आते हैं ज्ञान सुनाते हैं, तो वो उस ज्ञान को थोड़ा सा ही देख करके पहचान करके अपना लेते हैं और फिर अपने आप को देवता बनाने के प्रयास में लगा देते हैं। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वरना समझाना पड़ता है कि बार बार नहीं समझाना पड़ता। बड़े रॉयल होते हैं, समझदार होते हैं, इशारों से समझते हैं, पिकअप करके समझते हैं। और जिनको कहलवाना पड़ता है वो त्रेता युग के हैं, आप ये कहेंगे? प्रजा प्रजा की भी प्रजा बार बार कहलवाते हैं, तो प्रजा की प्रजा भी एक बार में राजा का सुनते हैं। यानी ज्ञान को स्पष्ट रीति बुद्धि में बैठ जाना, और ये कि देवी धारणा धारणा धारणा। तो बाबा ने कहा कि हिंदी में अक्षर भी है परमपिता, वो तो है ही निराकार। ईश्वर, प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता, गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वो हमारा गॉड फादर है। फिर आज बाबा ने ये प्रीत बुद्धि के बारे में कई बार बताया है। बाप ने समझाया है तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है, औरों की है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है, वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन, टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने विनाश की ये तैयारी के बारे में बताया। बाबा ने हम दो कार्य इकट्ठे कर, तीनों कार्य वास्तव में इकट्ठे कर, एक और स्थापना का होता है, दूसरा विनाश का। तो जब बाबा आते हैं तो जो परिवर्तन के निमित्त हैं साइंसदान, उनको भी प्रेरित करते हैं। वो एटॉमिक वॉर्स की तैयारी चालू करते हैं,
क्योंकि जो महापरिवर्तन है छोटा मोटा तो नहीं है, उसमें पांचों तत्व भी शामिल होते हैं और साथ साथ ये भी होता है। बाबा ने कहा, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए हैं, भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं, अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं, ये है सबकी कयामत का समय अर्थात मौत का समय। तो उन यादवों को भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी से प्रीत नहीं लगानी है, वो तो है रचना, उनसे वर्षा मिल न सके। भाई बाबा को ने, भाई से वर्षा हाँ, नहीं मिलता। बाबा स्पष्ट करते हैं जो बात पहले बाबा ने कही, तुम्हारा संबंध किसके साथ होना चाहिए? शिव बाबा के साथ। तो रचना रचना को वर्षा दे नहीं सकती, भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकता। हम सब आपस में भाई भाई हैं, वर्षा हमको देगा कौन? जो हमारा पिता है। और जिसके पास है ये, तो हमारा पिता परम पिता है, आत्माओं का पिता है, और उनके पास ये ज्ञान योग, उसके साथ साथ प्रेम शांति शक्ति सब कुछ। इसलिए बाबा कहता है देहधारी से बुद्धि योग मत लगाओ, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। बाबा ने ये भी कहा कि इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं। एक्चुअली समझते हैं ना, जब समझ लेते हैं फिर थोड़ी अपनी बुद्धि इधर उधर करेंगे। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है, समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है, तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा, देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस अभी ये खलास होते हैं, हमको जाना है नई दुनिया में। ये सब चीज़ें जो हैं, जो कमोशन कैटास्ट्रफी केओस जो इस दुनिया में दिखाई दे रहा है, ये सब है एक प्रकार का ट्रेलर जो फाइनल के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो बाबा बता रहा है। बाबा ने कहा, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है, ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं है, ये नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वो तो मीठा पानी है, बाकी ये है ज्ञान की बात। फिर बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया को छोड़ना है, ये विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे, वहां है ही निर्विकारी संबंध, इस समय आसुरी बंधन है। तीन चीज होती है, बंधन संबंध और बंधन मुक्त। हम बंधन मुक्त होते हैं संगम पर, बंधन वाले होते हैं द्वापर और कलयुग में, और संबंध वाले होते हैं सत्ययुग में, क्योंकि वहाँ हमारे श्रेष्ठ संबंध है, विकारी संबंध नहीं है, अच्छे संबंध है। वो संबंध बंधन का रूप लेते जब देहधारी हो जाते हैं, वहाँ तो देवता है। अब उससे मुक्त के लिए बाबा ज्ञान देता है, कर्म बंधन मुक्त बनो, तो वो हम संगम पर लेते हैं, मुक्त बन के फिर पुनः हम ऐसे बनते हैं। तो बाबा ने हमें बताया कि जो खान पान की बात है, उसके लिए बाबा ने बहुत स्पष्ट रीति से बताया, हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए, देवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है, ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं?
सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा, ये कोई दैवी चीज थोड़े है, सिगरेट पिएंगे वो लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं ये छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहते हैं, शिव बाबा को याद करो, ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। बाबा ने देवता बनने के लिए खान पान की शुद्धि बताई। जब बाबा के पास आते हैं तो सब ऊट पटांग खाने वाले होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी स्वीकार करते हैं जो बाबा ने बोली, और कई बार छोड़ने चाह करके नहीं छोड़ पाते हैं, जैसे अनियन और गार्लिक, लहसुन और प्याज नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन अगर इच्छा है तो छूट जाती है, एक धक से छोड़ने से छूटेगा, धीरे धीरे कहेंगे तो नहीं छूट पाएगा। सच्ची बात है ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बढ़िया सी प्याज की सलाद बना के ले जाते हैं क्या? मंदिर में घुसने भी नहीं देगा पुजारी, क्या बाहर जाओ। इसलिए शुद्धिकरण जरूरी है। आज तो बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि ऊंच पद नहीं पाएंगे, पा ही नहीं सकते, कैसे पाएंगे? जो अपनी एक 2.5 इंच की चीज के ऊपर आधिपत्य नहीं है तो इतनी बड़ी राजाई पर क्या होगा? तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे, गर्भ से जन्म मिलेगा। सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं, तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। बाबा ने कहा कि ये नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती हैं। तुमको 84 जन्म का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। कोई ने 84, 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। फिर बाबा ने मुट्ठा समझाते हैं, वो देवी देवता घराने की आत्माओं के पूरे 84 जन्म होते हैं बाबा उससे, बाकी जो आते बाद में तो उनके नेचुरली कम होंगे ना, तो 84 नहीं होंगे। बाबा ने कहा, हर एक में 5 भूत हैं, देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत। भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। आज का वरदान बाबा ने हमें दिया, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। सब कुछ डिपेंड करता है हमारी वृत्ति पर, वृत्ति में क्या बसता है। वृत्ति अच्छी है, सतो प्रधान है, हाई क्वालिटी की है, तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते प्रगति होगी। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सदगति को सहज ही पालेंगे, फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। स्लोगन है, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है
तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अगर हिल गए तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा ही होगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।